शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। नहीं मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। मगर इंसान ये चाहता है कि आगे भी बदअमालियां करता रहे। पूछता है आखिर कब आना है वो कयामत का दिन? फिर जब दीदे पथरा जाएंगे और चांद बेनूर हो जाएगा और चांद सूरज से मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, उस वक्त यही इंसान कहेगा कहां भाग कर जाऊं? हरगिज नहीं, वहां कोई जाय पना ना होगी। उस रोज तेरे रब ही के सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज इंसान को उसका सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा। बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मा है, लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हों उस वक्त तुम इसकी करत को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझान देना भी हमारे ही जिम्मा है। हरगिज नहीं, बल्कि तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। उस रोज कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, और कुछ चेहरे उदास होंगे और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। हरगिज नहीं, जब जहां हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और आदमी समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, वो दिन तेरे रब की तरफ रवानगी का होगा। मगर उसने न सच माना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पलट गया, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। अफसोस तुझ पर पस अफसोस, फिर अफसोस तुझ पर पस अफसोस। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वे यूं ही मुहमिल छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक हकीर पानी का नुतफा ना था जो रहम मादर में टपकाया जाता है, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया और उसके आजाद दुरुस्त किए, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे?